अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 3, हाउ आर यू ऑल? होप सो दैट यू आर ऑल फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट स्लॉट 6 साइंस लेक्चर, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस, थर्ड एडिशन, क्लास 3. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पेज नंबर 42. Let's open your page number 42 of your textbook of science. Life cycle of a plant, यानी एक plant जो है वो कैसे जो है अपना एक life cycle complete करता है, आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, do you know what's plant? Plant पौधे, जो plants हमारे इर्द गिर्द हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, फूल हैं, वो सब जो हैं इसमें आते हैं. Plants are called producers. प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं. बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बनाते हैं. दे डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. और हर सारे पौधे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. साइज़ में भी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, शेप भी चेंज होती है. और ये जिस माहौल में ये जो हैं वो रहते हैं, ग्रो करते हैं, उसके मुताबिक ये टाइप्स भी चेंज होते हैं. लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट्स प्रोड्यूस. प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस things such as flower, fruit, seeds, vegetables, stem, leaves and roots. यानी एक plant जो है वो बहुत से different जो हैं वो things जो हैं वो produce करते हैं, जैसे flowers हो गए, फूल हैं, फल है, बीज भी बनता है, फिर vegetables सब्जियाँ भी मिलती हैं हमें, stems भी होते हैं और पत्ते, roots वगैरह भी. लुक एट एनी गार्डन, आप अपने गार्डन में देखें या आपके घर में कोई से भी पौधे लगे हुए हैं गमलों में या गार्डन में, तो आप देखें तो आप देखेंगे कि उस पर फ्लावर्स भी होते हैं, पौधों पर लीव्स भी होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्लावर्स. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर्स की. व्हाट आर फ्लावर्स? फ्लावर्स से तो हर कोई वाकिफ है कि फ्लावर क्या होता है. ठीक है, अब ये कैसे बनता है और इसका काम क्या है, हम इसको पढ़ेंगे. फ्लावर्स आर लवली कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल से होते हैं. एंड ऑफन स्मेल स्वीट, और कई फ्लावर्स की तो खुशबू भी बहुत प्यारी होती है. ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स, जितने भी सीड्स हैं, बीज जो होते हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं? फ्लावर्स बनाते हैं. Flowers help plants to reproduce. Reproduce mean to make new. यानी के flowers जो हैं नए पौधे बनाने में एक plant की help करते हैं, ताकि आगे से आगे new plants बनते जाएं. जैसे ये देखें, आप picture देखेंगे, ये एक watermelon. आपको पता है watermelon क्या होता है? हाँ जी, गर्मियों में जो हम खाते हैं तरबूज. ठीक है, ये वाटर प्लांट की एक जो है वो टाइनी सी ये फर्स्ट स्टेम है, छोटी सी स्टेम उन्होंने बताई है जब एक पौधा ग्रो करता है. ठीक है, उसके ऊपर एक देखिए छोटी सी, मैंने ये हाईलाइट की है येलो कलर की, छोटी सी देखें एक बर्ड बना हुआ है, फ्लावर बर्ड है. ठीक है, अब ये क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और फ्लावर में चेंज हो जाएगा. अब ये बर्ड जो है, ये देखिए उसके ऊपर एक छोटा सा जो है फ्लावर जो है वो आ गया है. अब ये फ्लावर फिर मज़ीद थोड़े दिनों तक बड़ा होता जाएगा और फ्लावर जो है वो एक प्यारे से खूबसूरत से वाटरमेलन में चेंज हो जाएगा. सो इस तरह से जो है ये एक अपना उसने लाइफ साइकिल बना लिया. अब वाटरमेलन को अगर हम खोलें तो उसके अंदर क्या होता है, सीड्स, बीज होते हैं ना ज़्यादा सारे. अब वो बीज को हम जब दोबारा से किसी सॉइल में जो है हम दबा देते हैं और उसको थोड़ा सा पानी वगैरह डेली देंगे, तो आप देखेंगे कि तरबूज का एक नया पौधा जो है वो निकल आएगा. समझ आइए, तो ये था हमारा फ्लावर और फ्लावर का टॉपिक कि कैसे फ्लावर जो है पौधों की हेल्प करता है न्यू प्लांट्स बनाने में और फ्रूट्स बनाने में. अब तो आज के लिए इतना पेज ही एनफ है बेटा. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं जहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ. सो व्हाट्सएप में जो है इसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आप जो है
इसको देखें और समझिए, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।